हाय गाइस, दिस इज़ नाशिद और आज हम लोग बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि ये एक डाइट नहीं है, और डाइट में तो मैं भरोसा करता ही नहीं, मतलब न्यूट्रिशन पे भरोसा करता हूँ। तो ये एक डाइट नहीं है। फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? आप कुछ खा नहीं रहे उस वक्त, मतलब पानी पी सकते हैं, कुछ खा नहीं रहे, कैलोरी इनटेक आप नहीं ले रहे। तो फास्टिंग अपनी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल इस वजह से है क्योंकि हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं 3 टाइम 4 टाइम बीच में स्नैक्स। तो अपनी जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ना अपना, वो उसको आराम करने का मौका नहीं मिलता है, सिर्फ रात में आराम करने का मौका मिलता है। तो इतने दिन के बाद आप, मतलब 10 साल 20 साल 25 साल के बाद थोड़ा आराम देने के लिए हम लोग एक तरीके से फास्टिंग का भी साइंस ने बताया है कि फास्टिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अपनी बॉडी के लिए, और कीटोसिस फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो सब बाद में बात करेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है एक टाइम रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग, एक विंडो आपको, मतलब आप सोच लीजिए कि आप 6 घंटे के बीच में, जैसे 2 बजे से दोपहर से 8 बजे तक ही आप सिर्फ खाइएगा, और उसके बाद मतलब आप ब्लैक कॉफ़ी या टी विदाउट शुगर आप लीजिए, लेकिन उतने के बीच ही में आपको खाना है, बस इसी को कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप, हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा आराम, और बार बार खाना है, नाश्ता खाना है, दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, उस झंझट से भी दूर रहते हैं। और टाइम रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग में, मतलब अगर आप बेस्ट है 8 घंटा, मतलब 16 घंटा फास्टिंग और 8 घंटा खाना, इससे कम मतलब 14 और 10 वाला भी लोग करते हैं। जो स्टार्ट करते हैं वो तो पहले 12-12 से करते हैं, मतलब 10 बजे रात में खाना खाना छोड़ दिया और फिर नाश्ता खाना स्टार्ट किया 10 बजे सुबह से, तो ये हो गया 12 घंटा फास्टिंग और 12 घंटा खाना खाना। तो स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग 12 से 12-12 का रेशियो लेके 1-1 का, और उसके बाद से धीरे धीरे आप अपने खाने का विंडो कम कीजिए, तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा वेट लूज करने में। ऐसा थोड़ी ना है कि आप मतलब 2 मील खाइएगा या 3 मील खाइएगा, उतने कम देर के बीच में आप इमेजिन कीजिए कि 6 घंटे का आप विंडो तक पहुँच गए, तो एक ठूसने थोड़ी ना लगिएगा, तो इस वजह से आपको वेट लूज भी करने में मदद मिलेगी। और अगर आप कम खा रहे हैं, मतलब 1 मील या 2 ही मील खा रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे के बीच में, तो आप, मेरे ख्याल से हम लोग ह्यूमन हैं तो अकलमंद चॉइसेस तो हम लोग लेंगे ही, तो उस वजह से हम लोग कुछ अच्छा भी, मतलब मैंने देखा है कि जो बेकार फूड भी खाते हैं ना, लेकिन अगर उनको सिर्फ 2 ही मील मिलेगा खाने के लिए दिन भर में, तो वो मतलब अच्छे चॉइसेस लेते हैं, अपने बॉडी बॉडी के अंदर से कुछ मतलब महसूस होता है उनको भी कि क्या हम खा रहे हैं, और इतना मतलब 2 ही मील तो खाना है, तो थोड़ा अच्छा खाएं कि थोड़ा ताकत मिले, क्योंकि जंक फूड खाएंगे और 2 ही मील खाना है तो उसके बाद से अगले दिन या उसके अगले दिन वो थोड़ा अच्छा फील नहीं करेंगे, तो फिर वो उनको समझ में आ जाएगा कि बॉडी मेरी अच्छे मतलब फूड ही से मतलब रिस्पॉन्स हम लोग को ज़्यादा मिलेगा, तो इस वजह से फिर आप लोग अच्छा फूड भी मतलब चॉइसेस कर पाइएगा। तो ये मेरा एक तरीके से, मेरे पास नॉलेज था, जो था वो मैं निकाल रहा हूँ और निकालता रहूँगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज नॉलेज देने से बढ़ता है, तो मेरे पास है और हम लिविंग प्रूफ हैं। मेरे पास फोटो नहीं है, लेकिन मैं मतलब 11th क्लास में था ना, तो 106.8 केजी वज़न था मेरा, और मैंने कुछ दिन दौड़ा वौड़ा, उसके बाद से फिर मेरा वज़न हो गया था 97-98, उसके बाद से फिर वज़न कम नहीं हो रहा था, तो मैंने जिम ज्वाइन किया और 4 महीने में मैंने दौड़ के अपना वज़न कर लिया था लगभग 80 केजी अप्रॉक्स। उसके बाद से फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया और मेरा मसल भी बढ़ने लगा, ऑब्वियसली एक्सरसाइज भी करते हैं, और
इंटरमीटेंट फास्टिंग किया, तो मतलब अभी मेरा विंडो है 1 बजे से लेकर 8 बजे रात तक। 1 बजे जोहर के बाद हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं, और वो आप किसी की बात मत सुनिएगा कि सुबह उठे उसके बाद से नाश्ता ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। रात में आपने खाया था कि बॉडी अभी उसको बॉडी को थोड़ा आराम दीजिए, दिन भर डालते मत रहे। तो ये आपको बताना था, मेरा 1 बजे से स्टार्ट करता हूँ खाना खाना और 8 बजे डिनर करता हूँ, तो थोड़ा आराम से। और आप एक हिंट ये भी ले सकते हैं, मतलब मैं आपको दे सकता हूँ कि थोड़ा आराम से खाइए, धीरे धीरे। मतलब मैं 1 बजे खाना खाना स्टार्ट करता हूँ, तो हमको तो 40-45 मिनट लग जाता है खाना खाने में। आराम से खाते हैं, और जो उस वक्त जो मतलब मैं वीडियोस देखना है या कुछ भी पढ़ना है तो मैं उस वक्त करता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ उस वक्त, तो उस वक्त ज़्यादा सही होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, व्हाटएवर यू वांट, इट्स फ्री वर्ल्ड। बाय।